तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑटो ड्राइवर राम बाबू। और कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अपने अपने काम में व्यस्त होंगे, अच्छे होंगे, खुश होंगे। और नया साल शुरू हुआ है, अभी भी नए साल की खुशियां मना रहे होंगे। तो आज का ये नेक्स्ट ब्लॉग है, और इस ब्लॉग में मैं सबसे पहले तो मैं आपसे सभी से माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि मैं बहुत लंबे टाइम के बाद यूट्यूब पर आ रहा हूँ। बहुत लंबा टाइम होता है एक्चुअली, आप मेरे लिए तो बहुत लंबा है, क्योंकि करीब एक महीना होने जा रहा है जब से मैं अपलोडिंग नहीं कर पा रहा हूँ। क्योंकि उसका रीज़न यही है कि सर्दी का मौसम, और आप सभी को पता है हालत कैसी होती है, तो गला काम नहीं करता, साथ नहीं देता। तो एक पिछला वीडियो मैंने बनाया था जो कि आई थिंक, मुझे लगता है अधूरा था, जिसमें मैंने आपसे बोला भी था कि मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा इसके बारे में और इसको पूरा करूँगा। तो आज उसी का टाइम आ गया है, उसी की बारी है, और उसका मैं ब्लॉग बता देता हूँ आपको। नहर के बारे में मैंने बनाया था, जो नहर मेरे गांव की तरफ से जो नहर निकली हुई है, गांव के बीच से निकली हुई है, तो मैं उसी नहर का एक पुल है, और यहीं पर मैं सबसे पहले तो आपको दिखा देता हूँ कि क्या क्या है और उस टाइम पे क्या था और अब क्या है। तो चलिए कैमरे को बैक करते हैं, अभी तो फ्रंट कैमरा है, कैमरे को बैक करते हैं और मिलते हैं आपसे। तो भैया, ये है पुल जिसके ऊपर से आवागमन होता है, और इस पुल के जस्ट नीचे से ये जो ज़मीन है, इस पुल के जस्ट नीचे से वो नहर निकली हुई है, जिसको मैंने आपको पिछले वीडियो में भी दिखाया था और अभी भी दिखाऊं तो। और अब ये नहर का हाल ये है, इसमें पानी इतना गहरा जा रहा है कि अगर मैं हाथों को ऊपर खड़ा करके और इसके बीच में खड़ा हो जाऊँ तो मैं डूब जाऊंगा, क्योंकि ये जो नहर है, इस नहर की गहराई है 12 फीट, ये जो पुल इसकी गहराई 12 फीट है, और 12 फीट से ये कितना आप देख सकते हैं, करीब 4 फीट जो है उसका बचा हुआ है ऊपर का हिस्सा, बाकी पूरा पानी से डूबा हुआ है। तो ये तो नहर की बात हो गई है, ये नहर है, और नहर के ये इस पुल के अंदर से नहर जा रही है, जिसके ऊपर से लोग जाते हैं और उसके नीचे नहर है। नहर के जस्ट नीचे एक छोटी सी नदी जाती है, जो मैं आपको दिखाऊं, ये जा रही है। तो ये एक छोटी सी नदी है, और इसका अंदर का नज़ारा अभी तो शायद मैं नहीं दिखा पाऊंगा आप लोगों को, देख सकते हैं शायद आप लोग। ये इसके नीचे, नहर के नीचे का ये नज़ारा है, जो छोटी सी नदी जाती है उसका नज़ारा है, और ये नहर से ही पानी आता है, ये पानी जो होता है वो नहर से आता है, और एक उधर साइड से भी जो नहर है उसका पानी आता है। और सामने आप देख सकते हैं मेरी उंगली के जस्ट ऊपर यहाँ पर, ये एक छोटा सा आपको कमरा टाइप का दिखाई दे रहा होगा, रूम टाइप का, वो बांध है जो जिसका नाम है उरमिल डैम, MP UP बॉर्डर पर बना हुआ है, तो दोनों का आधा आधा अधिकार है उस पर। और ये वही नदी है जो नहर के नीचे से निकली हुई है, वहाँ पर लोगों ने पट्टी बना दी है ताकि जो खेती वेती करने के लिए पानी मिल जाता है उनको। बाकी नज़ारा बहुत अच्छा लग रहा है मुझे भी देख के, और यहाँ पर आप भी देख सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। बाकी बात एक मैंने डैम की बोली थी, तो डैम आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और मिलते हैं बाद में। तब तक के लिए बनी रहिए वीडियो के अंत तक, आई थिंक दूसरा वीडियो बनाऊँगा तो इस वीडियो में, धन्यवाद। तो आप लोगों ने देखा अभी नहर का नज़ारा, नहर के नीचे से जो नदी निकलती है उसका नज़ारा, और ये पुल है जिस पर मैं अभी घूम रहा हूँ, ये दोनों के ऊपर है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, लेकिन ऊपर नीचे से साथ में नहीं क्रॉस करते, नीचे से नदी है, ऊपर से नहर है, दोनों के एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। तो इसकी जो इसका बांध है जहाँ से पानी आता है, डैम है, जो डैम मैं दिखाता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तो बने रहिए मेरे साथ अगले वीडियो तक। तब तक के लिए थैंक यू, अपना ख्याल रखिए।